अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपना व्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने कैमरा, माइक और माउंट को एडजस्ट किया हुआ है अपने हेलमेट में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो बोंटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बाकी उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी जो मोटो व्लॉगिंग तो नहीं स्टार्ट करना चाह रहे लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। उसके अलावा आप लोग कमेंट्स नहीं में अपनी सजेशन नहीं देते कि किस तरह से चैनल को मज़ीद बेहतर किया जाए। अभी नया नया चैनल शुरू हुआ है तो आई नो इसमें कमी पेशी काफ़ी है, कमियाँ काफ़ी होंगी, काफ़ी मिस्टेक्स होंगी। तो अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में और मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको, ताकि मैं एड्रेस कर सकूं। उसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा तो गाइस, दीज आर द थिंग्स यू नीड। आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, एक माउंट होना चाहिए, गोप्रो होना चाहिए और एक माइक होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंट की। माउंट आते हैं दो टाइप्स के, एक ये स्ट्रैप वाला माउंट है और एक होता है हमारे पास डबल टेप वाला माउंट। तो डबल टेप वाला माउंट मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि हाई स्पीड पर बाइक चलना होता है तो वो गिर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और इसको लगाने का तरीका बड़ा आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्ट्रैप यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, दो नीचे होते हैं। दो स्ट्रैप को आप आगे से गुजार दें और दो को नीचे से, और यहाँ से आप देखें मैंने इनको बांध दिया है तो ये काफ़ी सॉलिड एक सेटअप बन जाता है। तो चिन माउंट जो है ये तकरीबन 1000 रुपीज़ का मिल जाता है। ऑनलाइन आप इसको आराम से मंगवा सकते हैं दराज वगैरह से, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो सेटिंग है चिन माउंट की, वो दो तरह से होती है। अब ये वाला चिन माउंट जो है ये मैंने ऊपर करके लगाया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेरा वाइजर है ये पूरा बंद नहीं होता। मुझे इससे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्लासेस लगाता हूँ, वाइज़र बंद हो तो उस पर फॉग आ जाती है, तो मैं हमेशा थोड़ा सा वाइज़र ओपन रखता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वाइज़र पूरा बंद हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा वो भी। ये जो नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो माउंट लगा हुआ है इसको आप थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे तो आपका वाइज़र भी ईजिली बंद हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं गोप्रो। गोप्रो का सेटअप डिफरेंट है, ठीक है, अगर तो आपके पास गोप्रो 8 है या उससे लोअर मॉडल है तो उसमें ये मीडियम मोड नहीं लगेगा। मीडियम मोड सिर्फ लगता है 9, 10, 11, ठीक है, 9th मॉडल से ऊपर वाले गोप्रोज में। और अगर आपके पास ये अडॉप्टर अवेलेबल है तो ये आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये हर गोप्रो के साथ लगता है, मतलब कि हर मॉडल हर वेरियंट के साथ ये अटैच हो जाता है, ठीक है। मीडियम मोड जो है वो 9, 10, 11 के साथ लगता है, निचले मॉडल्स में नहीं लगता और ये हर मॉडल में लग जाता है। इसकी जो प्राइस है ये आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 15,000 डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी। और मैंने तो ये निस्बत रोड से लिया था, लाहौर से मुझे मिल गया था इजीली। और ये है जी GoPro 8, ठीक है, काफ़ी लोगों के पास यही वाला मॉडल होता है GoPro 8 या इससे निचले होते हैं, तो उनके लिए जो सेटअप है व्लॉगिंग का वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका तरीकेकार ये है कि आपने GoPro को लगाना है इसमें, ठीक है, माउंट में ऐसे करके, ठीक है, मैं भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। और ये जो अडॉप्टर है इसको मैंने लगाया हुआ था इसके नीचे जहाँ मेरी फिंगर है, ये ऐसे करके लग गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका बड़ा आसान है, इसके लिए लैदर केसिंग भी यूज़ होती है जिसमें ये GoPro और ये माइक अडॉप्टर ऐसे इकट्ठे लग जाते हैं, ठीक है, वो लामजी की केसिंग होती है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं लेनी तो पाकिस्तानी तरीका ये है कि इसको आप इसके नीचे जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ फंसा दें, ठीक है, और इसमें लगा लें। मैं भी आपको वो लगा के दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है आपका GoPro माउंट के साथ अटैच हो जाता है। और अडॉप्टर के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था एक केसिंग होती है,
उलान सी की, अगर वो केसिंग आप नहीं परचेज़ करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, इसको आपने जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ ऐसे करके स्लाइड कर देना है, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्लाइड कर देंगे तो इसकी ये पोजीशन बन जाएगी और यहाँ पे आप इसको ऐसे अटैच कर लेंगे तो ये आपका इस तरह से सेटअप बनेगा। और जो माइक की तार है वो लगेगी यहाँ पे, ठीक है। माइक की जो प्लेसमेंट है, अगर आपने अडोप्टर लगाना है तो आपको हेलमेट के जो है लेफ़्ट साइड पे करनी पड़ेगी, अगर आपने मीडिया मोड लगाना है तो माइक की सेटिंग आपको हेलमेट के राइट साइड में करनी पड़ेगी। तो ये एक टेक्निकल सी चीज़ है, ये आप समझ लें। तो ये है जी बेसिक सेटअप विद GoPro माइक अडोप्टर। बाकी अब मैं आपको दूसरा सेटअप दिखाता हूँ मीडिया मोड वाला। अच्छा जी, मीडिया मोड में ना आपको केसिंग की ज़रूरत पड़ती है ना ही माइक अडोप्टर की ज़रूरत पड़ती है, इसका ये फ़ायदा है। और इसको आप इजीली लगा सकते हैं, ऐसे आपने लगाना है और यहाँ से इसको बंद कर देना है। तो ये सिंपल सा फ़ायदा है इसका मीडिया मोड का। मीडिया मोड की प्राइस जो है ये तकरीबन 30,000 कॉस्ट करती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी। तो आई रिकमेंड कि मीडिया मोड यूज़ किया जाए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अडोप्टर के साथ। लेकिन अगर आपके पास GoPro 8 या उससे निचले मॉडल हैं तब आप मीडिया मोड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होता। तो इसका सेटअप भी बड़ा आसान सा है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लगा लेना, ऐसे करके लग जाएगा। और इसका जो माइक का जो सेटअप है वो होता है यहाँ पर, तार यहाँ लगती है इसकी माइक की। तो माइक का जो सेटअप है वो आपने हेलमेट के राइट साइड में करना है। तो अब मैं आपको माइक का सेटअप दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। अच्छा जी, माइक पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। सबसे आला क्वालिटी का आपने माइक लेना है और इसका मैं आपको सेटअप कर सिखा देता हूँ कि किस तरह होता है। माइक को आपने इतना फोल्ड कर लेना है क्योंकि इतनी लेंथ आपको यूज़ में नहीं आनी, तो आपने इतना माइक की तार को फोल्ड कर लेना है। और क्योंकि अब मैं GoPro 11 यूज़ करूँगा तो इसका जो सेटअप है वो मैं लगाऊँगा हेलमेट के राइट साइड पर। तो आपने करना ये है कि हेलमेट की जो राइट साइड है ये वाली, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे माउंट आराम से जो है ना ये खुल जा, कड़क करके खुलता है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपने तार सारी जमा कर देनी है और तार सारी इधर गोल गोल हुई हुई है, इसको मैं यहाँ पे सहा रहा हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा जगह होती है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक दफ़ा जब ये लग जाएगा उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। ठीक, तार यहाँ मैंने फंसा दी, जो लीड है वो नीचे से मैं गुजारता हूँ और जो माइक है, माइक कहाँ चला गया, ये जी माइक। माइक को कोशिश में करता हूँ कि बिल्कुल इस पोजीशन में रखूँ, इस पोजीशन में, मतलब इसके अंदर वाली साइड पर, यहाँ पर। माइक जो है वो छुप गया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे लगा के यहाँ से इसको आप दबाएंगे तो कड़क करके बंद हो जाएगा। और जो तार है इतनी आपने लूज छोड़नी है ताकि ये लग जाए। अच्छा जी, तो मैंने माइक का सेटअप कर लिया है। ये आ रही है जी माइक की तार, जो कि यहाँ पे ऐसे करके लगेगी GoPro 11 के मीडिया मोड में। और माइक में आपको दिखा देता हूँ, तार आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, पूरा जो कॉयल मैंने बनाया था तार का उसके नीचे है और माइक है यहाँ पे, ठीक है जी, ये नज़र आ रहा माइक। तो ये जी माइक का सेटअप। अच्छा, तो भाई ये है जी प्रॉपर सेटअप मोटो व्लॉगिंग का, ये आपको मैंने सारा डिटेल में बता दिया है। दूसरा जो इशू आता है वो मोस्टली आता है कि जी अलाइनमेंट का, ये जो एंगल है ये वाला, काफ़ी लोगों का नीचे होता है, काफ़ी लोगों का ऊपर होता है। तो इसकी आसान सी जो इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि जो आपका आई साइट है, जिस डायरेक्शन में आई साइट होगा उस डायरेक्शन में आपने रखना है, ना आपने इसको ज़्यादा नीचे रखना है ना ऊपर रखना। तो ये इसकी बेसिक नॉर्मल सी जो इसकी सेटिंग है वो ये है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो
व्लॉग्स नहीं बनाना चाहते लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनको जो मेन इशू आता है, मेजर इशू वो आता है साउंड का। ठीक है, साउंड में ये होता है कि जी माइक तो वो यूज़ करते नहीं है, तो हवा की जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आपको माइक से नज़र आ रहा होगा GoPro का, इसको आपने कवर करना है किसी भी कॉटन के पीस से। ठीक है, वो कोई कपड़ा हो सकता है, कोई कारपेट का पीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको आपने पूरा ऐसे बंद नहीं करना, इसके ऊपर ऐसे एक बिल्कुल इतना सा स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के उसको आपने यहाँ पे टेप लगानी है, यहाँ पे टेप लगानी है, इसके ऊपर नहीं लगानी, साइडों पे टेप लगा के उसके ऊपर ऐसे लगा देना है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना विंड नॉइज़ वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, कहाँ से परचेज़ करनी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके इजीली वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।